खूबसूरत दिखने के लिए दादी माँ के घरेलू नुस्खे। नंबर एक, हल्दी का इस्तेमाल काफ़ी समय से खूबसूरती को बढ़ाने के लिए किया जाता रहा है, तो कच्चे दूध में चुटकी भर हल्दी मिलाकर चेहरे व हाथ पैर पर लगाएं और हल्के हाथों से मसाज करें। इससे स्किन पर जमी गंदगी बाहर निकल जाती है और चेहरे से लेकर हाथ पैर तक की चमक बढ़ जाती है। नंबर दो, बॉडी स्क्रबिंग के लिए बेसन बहुत ही बेहतरीन और नेचुरल चीज़ है। नहाने से पहले बेसन में चुटकी भर हल्दी पाउडर और कच्चा दूध मिलाकर पेस्ट बनाएं। इसे बॉडी पर हल्के हाथों से रगड़ें, जिससे डेड स्किन निकल जाती है और स्किन चमक उठती है। इसे इस्तेमाल करती है तो साबुन लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। नंबर तीन, तुलसी की पत्तियों को गुलाब जल में 15-20 मिनट तक भिगोकर रखें, फिर इसे पीसकर इसमें चुटकी भर हल्दी मिलाकर चेहरे पर लगा ले। कुछ ही दिनों में आपको मिलेगी बेदाग और निखरी त्वचा। नंबर चार, आलू को कद्दूकस करके इसका रस निकाल ले, फिर इसमें चंदन पाउडर मिलाकर चेहरे पर मले। 15 मिनट तक लगाकर रखने के बाद ठंडे पानी से चेहरा धो ले। नंबर पाँच, संतरे के छिलकों को धूप में अच्छी तरह से सुखाकर इसका पाउडर बना ले, फिर इसमें मुल्तानी मिट्टी और बेसन फेस पैक तैयार करें, जिसे 15 मिनट तक चेहरे पर लगाकर रखें, फिर गुनगुने पानी से धो ले। नंबर छः, नींबू और शहद। नींबू का रस और शहद को मिलाकर चेहरे पर लगाने से त्वचा की चमक बढ़ती है। नंबर सात, दूध और बादाम। रात को सोने से पहले एक गिलास दूध में भिगोए हुए बादाम को पीसकर लेने से त्वचा में निखार आता है। नंबर आठ, गुलाब जल। गुलाब जल को कपाल पर लगाने से चेहरे की रंगत सुंदर होती है और त्वचा फ्रेश दिखती है। नंबर नौ, तुलसी। तुलसी के पत्तों को पीसकर मलाई या दही के साथ मिलाकर चेहरे पर लगाने से त्वचा को निखार मिलता है। नंबर दस, शहद और दही। शहद और दही को मिलाकर चेहरे पर लगाने से त्वचा की चमक बढ़ती है और त्वचा सुप्रलक्षित होती है। नंबर ग्यारह, हल्दी और चना आटा। हल्दी और चना आटा को गुलाब जल के साथ मिलाकर पेस्ट बनाएं और इसे चेहरे पर लगाएं, इससे त्वचा में निखार आता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और आप लोगों को हमारी यह दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहें। और आप लोगों को हमारी यह वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हम इसी तरह की और भी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।